ओके गाइस, तो जिस तरह आप लोग जानते हो कि यार जब भी कोई व्हाट्सएप की न्यू अपडेट आती है तो मैं आप लोगों को लाजमी उससे अपडेट रखता हूँ, लेकिन क्योंकि कुछ टाइम से मैं कुछ महीनों से काफ़ी ज़्यादा बिजी हूँ कुछ घर के कामों में आगे पीछे, तो मैं उस तरह मतलब रेगुलर वीडियो नहीं बना पा रहा। लेकिन आज बहुत सी अपडेट व्हाट्सएप की इकट्ठी हो चुकी हैं जो मैं आप लोगों को देने वाला हूँ, और ये कुछ ज़रूरी भी है कुछ मज़े की भी है और आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, नीचे कमेंट करके आपने लाजमी बताना कि व्हाट्सएप अपडेट वाली वीडियो आपको अच्छी लगती है नहीं लगती, क्या सीन है। और हाँ, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी चीज़ से रिलेटेड तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, मेरी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक नीचे वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर फॉलो कर सकते हो। और जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमेशा की तरह जैसे ही हम वीडियो बनाने बैठे, यहाँ नीचे टमाटर वाला भी आ गया, लेकिन कोई बात नहीं, हम टमाटर वाले को इग्नोर करते हुए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि व्हाट्सएप में सबसे पहली और कमाल की अपडेट आई है, वो आप लोग यहाँ अपनी स्क्रीन पे साइड पे देख सकते हैं, वो है फिंगरप्रिंट लॉक। और अब आप अपने व्हाट्सएप को फिंगरप्रिंट लॉक कर सकते हैं, कोई भी बंदा उसको ओपन नहीं कर सकता जब तक आपका अंगूठा, आपकी फिंगर, शहादत वाली उंगली, ये वाली, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, जो भी बोलते हैं, ये वाली उंगली जब तक काट के वो अपने पास नहीं ले आएगा तब तक वो आपके इसको अनलॉक नहीं कर सकता। तो यहाँ पर आप देखते हैं मैं इसको अनलॉक करता हूँ, जैसे ये अनलॉक हुआ तो हम लोग क्या हुआ अपने इसमें पहुँच गए। तो यहाँ पर हम इसको कर देते हैं डिलीट। ओके, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग अपने व्हाट्सएप में आ गए। लेकिन अब अगर हमने इसको अनेबल करना है तो क्या करना होगा, यहाँ पर तीन डॉट्स पे आप जाएंगे, सेटिंग्स में जाएंगे, उसके बाद अकाउंट, उसके बाद प्राइवेसी, और प्राइवेसी में जाने के बाद आपको यहाँ पर सबसे नीचे आपको नज़र आ जाएगा फिंगरप्रिंट लॉक। यहाँ पर आप देख सकते हैं इमीडिएटली आप लगाना चाहते हैं, यानी जैसे ही आप व्हाट्सएप से बाहर निकलें, व्हाट्सएप का मतलब जो ऐप है उसे ऑफ करें, तब लगे, एक मिनट बाद लगे या 30 मिनट बाद लगे। उसके अलावा यहाँ पर कह रहे हैं शो कंटेंट इन नोटिफिकेशन, अगर आप चाहते हैं तो इसको टर्न ऑफ कर सकते हैं कि जब तक आप व्हाट्सएप के अंदर नहीं जाएंगे तब तक आपको कोई भी नोटिफिकेशन भी शो नहीं होगी। तो यार ये मतलब काफ़ी अच्छा है, आपको अगर कुछ ज़्यादा ही सिक्योरिटी अपनी प्राइवेसी से रिलेटेड आप है ऐसे ज़्यादा मतलब हैं कुछ पॉजिटिव टाइप है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं एनेबल कर सकते हैं, और यहाँ से नोटिफिकेशन को भी कर सकते हैं कि भाई ये नोटिफिकेशन बाहर शो मत करो, ठीक है। तो ये मतलब एक बेस्ट तरीका है, ये आपकी सिक्योरिटी से रिलेटेड है। उसके बाद यहाँ पर जो एक व्हाट्सएप की एक और अपडेट है वो ये है कि आप लोग अब व्हाट्सएप के अंदर मतलब जिस तरह आपको पता है कि कोई भी बंदा व्हाट्सएप यूज़ कर सकता था, चाहे वो छोटा बच्चा है या बहुत बड़ा बंदा है बूढ़ा, लेकिन अब व्हाट्सएप ने एक न्यू रूल अप्लाई किया है कि 13 साल से छोटा बंदा व्हाट्सएप यूज़ नहीं कर सकता। अब ये मैं श्योर नहीं हूँ कि ये किस तरह है, मतलब इसको किस तरीके से व्हाट्सएप डिटेक्ट करेगा कि यार 13 साल से बड़ा कोई, मतलब इस तरह वहाँ पर अभी स्टार्ट में तो कुछ नहीं आया कि आप अपनी एज डालें कुछ इस तरह का, शायद कुछ उस टाइप का सीन ले आए, या फिर व्हाट्सएप कुछ इस तरह का मतलब कुछ ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर ले आपकी एक्टिविटीज़ वगैरह से, या मतलब उस टाइप का कोई सीन हो, तो ये तो अभी मैं कुछ नहीं कह सकता। तो एक ये भी चीज मतलब व्हाट्सएप ने मतलब डाली है। तो आप लोगों को पता है कि जिस तरह आप किसी को कुछ भी सेंड करते हैं, मतलब कुछ भी आप सेंड करते हैं किसी को, लाइक कोई पिक्चर आप सेंड करते हैं किसी को, तो आप लोगों को पता है कि एक बार सेंड हो गई वो हो गई, लेकिन अब आप उसको एडिट कर सकते हैं सेंड करने के बाद भी। तो किस तरीके से एडिट करना है आप अपनी साइड स्क्रीन पर देख सकते हैं, मतलब कुछ भी आपने अगर सेंड किसी को किया तो ऊपर ये वाला जो फीचर ये अभी तक आया नहीं है, नेक्स्ट अपडेट में आपको मिलेगा, और जब ये आएगा कुछ और भी फीचर आएंगे तो मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ये जो फिंगरप्रिंट वाला और जो बाकी फीचर मैं आपको बता रहा हूँ ये ऑलरेडी इसमें अवेलेबल हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ साइड पे देख सकते हैं, आप कोई भी चीज़ अगर किसी को सेंड करते हैं उसके बाद तीन डॉट्स पे जाके आप इसको मतलब एडिट कर सकते हैं। तो एडिट करके आप मतलब उस पर कोई कलर वलर या जो भी मर्जी आप करना चाहें वो कर सकते हैं, ये मतलब काफ़ी अच्छी है। तो जैसा कि पहले यार आपको इंस्टाग्राम के अंदर ये एक फीचर देखने को मिला था कि इंस्टाग्राम फ्रॉम फेसबुक, इसी तरह ये कोई अपडेट नहीं है, वैसे मैं आपको एक चीज बता रहा हूं। तो यहां पर आप लोगों को पता है कि इंस्टाग्राम भी फेसबुक की है और व्हाट्सएप भी फेसबुक वाले ही मतलब ऑन करते हैं 2009 से, तो इनके पास है इसका मतलब सारा कंट्रोल वगैरह। तो यहां पर आप देख सकते हैं अब आपको व्हाट्सएप की सेटिंग में इधर नीचे व्हाट्सएप फ्रॉम फेसबुक भी देखने को मिल रहा है, तो ये भी पहले नहीं होता था, न्यू अपडेट में आया, तो ऐसे ही मैंने कहा ये भी आपको बता दें आपकी मतलब नॉलेज के लिए। तो उम्मीद करता हूं आज की वीडियो जो आप लोगों को काफी ज्यादा पसंद आई होगी, आपको काफी व्हाट्सएप की अपडेट्स भी पता चली, फिंगरप्रिंट वाला लॉक वाला जो ऑप्शन है ये आपको कैसा लगा ये फीचर नीचे कमेंट करके बताइएगा, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं यार किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।